जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये एक नई वैकेंसी है, जो 10th क्लास पास की वैकेंसी, आप सभी को कईयों को पता होगा कईयों को नहीं पता चलेगा, जो RBI में अटेंडेंस की वैकेंसी है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें 10th क्लास बेस, आप सभी को पता RBI की जो वैकेंसियाँ होती हैं उनमें ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी होती है, लेकिन इस वैकेंसी में कुछ खास बात दी गई है। वो सबसे खास बात क्या है और कितने पोस्ट की वैकेंसी है, क्या इसका जॉब क्राइटेरिया है, कितने इसकी पेमेंट है, कहाँ पर इसकी पोस्टिंग होती है, किस प्रकार से इसका प्रमोशन होता है, ये पूरी की पूरी डिटेल दूंगा मैं इसमें। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। 10th क्लास लेवल के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी। इस वैकेंसी में जो खास रूल आया है दोस्तों, वो है कि जो ग्रेजुएशन जो बंदे कर चुके हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यानी ये 10th क्लास लेवल की बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया सेट किया है, और जिनकी एज 18 से 25 साल है वो भी इसके लिए जनरल कैटेगरी वाले एलिजिबल है। तो इस वैकेंसी की क्या क्या खास बातें हम देखेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप सभी को पता है, ऑफिशियल इसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुकी है, और 24 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 15 मार्च से पहले आपको फॉर्म भरने, और अप्रैल 9 और 10 अप्रैल को इसका एग्जाम है। अब इसकी बात करते हैं हम पूरी डिटेल से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे सकूं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो भी जुड़ जाइए दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो एज का क्राइटेरिया है वो रखा गया 18 से 25 साल। OBC और ST को उनके जो गवर्नमेंट बेसिस जो छूट मिलती है 3 साल 5 साल की, वो छूट भी इसमें दी गई है। साथ में जो एज काउंट होगी वो 1 फरवरी 2021 से आपकी एज काउंट होगी। दोस्तों 10th क्लास पास की वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ग्रुप सी की। इसकी जो और ख़ास बात है वो है कि इसमें जो आपकी पोस्टिंग होगी आपके गृह स्टेट में, यानी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जहाँ पर आप पोस्टिंग लेना चाहते हो, साथ में जिस RBI के ऑफिस में आप पोस्टिंग लेना चाहते हो वहाँ से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी सीटों को पहले स्टेट वाइज डिवाइड किया गया, साथ में उसकी स्टेट में जो ऑफिस हैं उनके वाइज डिवाइड किया गया। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसका 3 पड़ाव होंगे इसके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला एग्ज़ाम, इसमें कुछ खास बात है, पहला एग्ज़ाम होगा वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट GK, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इन सभी के 30-30 क्वेश्चन आएंगे। 30-30 नंबर के 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, मतलब 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन हल करने। दोस्तों इसमें जो जनरल इंग्लिश इंक्लूड हो रही है, इसके अलावा आप सभी 10th क्लास पास जितने भी मेरे दोस्त SSGD की RPF की जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी बिल्कुल चांस ले सकते हैं इस वैकेंसी में। आपको केवल 1 महीना इंग्लिश की और तैयारी करनी है, बाकी आपकी तैयारी तो बिल्कुल आप ये एग्ज़ाम हिट कर सकते हो। आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, RBI की जो जॉब है बहुत अच्छी जॉब है। इसमें ग्रुप सी की जॉब है लेकिन बहुत ही अच्छी जॉब, अगर आपको RBI में काम करने का मौका मिल रहा है इसमें, और जितने भी पोस्ट हैं उसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल ही मांगा जाता है। इसमें अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में जो जिसकी ग्रेजुएशन चल रही है अभी वो भी फॉर्म भर सकता है, अगर उसका रिजल्ट 1 फरवरी 2021 के बाद आए तो वो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। दोस्तों तो सबसे पहले इसका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें 4 पार्ट होंगे, 30-30 नंबर के इसमें 4 पार्ट होंगे, 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद में जो इसका दूसरा टेस्ट होगा वो LPT, मतलब आपका लैंग्वेज परफॉर्मेंस टेस्ट। ये क्या होता है, ये एक नया है, आप सभी को नहीं पता होगा इसके बारे में, तो मैं बता दूँ। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, UP से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो वहाँ की जो स्टेट की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे राजस्थान में हिंदी है, मध्य प्रदेश में हिंदी है, लेकिन हरियाणा में पंजाबी है, जैसे पंजाब में पंजाबी है, महाराष्ट्र में मराठी है, तो जो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए वैकेंसी, ये दूसरा जो टेस्ट होगा इसका ये होगा, और जो तीसरा इसका पड़ाव होगा मेडिकल। मेडिकल इसमें ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, बहुत ईजी मेडिकल है, रनिंग भाग दौड़ इसमें नहीं है, नॉर्मल सा मेडिकल है। दोस्तों इसमें आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, जो नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, आप जाके अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। अब अगर इसकी बात करें जैसे इसकी पोस्ट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पोस्टिंग आपकी स्वेच्छा से मिलेगी, क्योंकि आप जब फॉर्म में अप्लाई करोगे तब आप उसमें जिस स्टेट से अप्लाई करो उस स्टेट में कौन सी RBI की ऑफिस है उस RBI की ऑफिस से भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड किया गया है पूरा चार्ट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्ट डिवाइड की गई, अलग अलग ऑफिस के लिए कितनी कितनी पोस्ट है उस पोस्ट के हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। टोटल जो इसमें पोस्ट रखी गई है वो है 841 पोस्ट, मतलब 841 पोस्ट की ये वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 9 और 10 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों, और कंपटीशन को कम करने के लिए ग्रेजुएशन लेवल से अपर को इनको मौका देने से इसमें मना कर दिया गया है। मतलब जिनकी ग्रेजुएशन होगी वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब कंपटीशन को कम करने की कोशिश की गई है। साथ में जो आप तैयारी कर रहे हो, बाकी 3 सब्जेक्ट तो आप पढ़ रहे हो, आपको अगर तैयारी कर रही है तो केवल जनरल इंग्लिश की तैयारी करनी है और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा अवसर है। इसके बाद में एग्ज़ाम के बाद में इसमें आपका होगा
LPT टेस्ट और उसके बाद में होगा मेडिकल, उसके बाद में ज्वाइनिंग होगी दोस्तों। अगर इसके सैलरी की बात करें दोस्तों, ये ग्रुप सी की वैकेंसी, स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग में इसकी सैलरी 18,000 के आसपास देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग के बाद में जैसे इसमें टोटल प्रकार के आपके जितना भी जैसे रेंट अलाउंस है, DA है, टोटल मिला के 26 से 27,000 रुपये इसकी पर मंथ सैलरी स्टार्ट हो जाएगी ग्रुप सी की होने के बावजूद भी दोस्तों। तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत अच्छी वैकेंसी है। 24 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आपको 15 मार्च तक का समय, 15 मार्च तक आपको इसके फॉर्म फिलअप करने और अप्रैल महीने में ही एग्जाम है। ऐसा पहली बार मतलब बहुत ही अच्छी वैकेंसी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब एक लिमिटेड समय, अभी आपको पता फरवरी चल रही है, मार्च का पूरा महीना और अप्रैल आपको 10 दिन मतलब 1.5 महीने के समथिंग आपको टाइम दिया पढ़ने के लिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि जो नया बंदा इसमें जुड़ेगा वो तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो पहले से तैयारी कर रहा है, तो जो बंदा तैयारी करता आ रहा है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है क्योंकि पहले से वो तैयारी कर रहा है, उसकी बाकी सभी की सब्जेक्ट की तैयारी हो रखी है, उसको केवल एक जनरल इंग्लिश पे ध्यान देना है क्योंकि वो अगर इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, SSGD जो पिछले बच्चे जो फेल हो गए थे उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी है। वो इस कंपटीशन में चाहे लड़के हो लड़कियाँ सभी की पोस्ट रखी गई है और बहुत ही अच्छी है। इसमें हाइट कैटेगरिया या वेट कैटेगरिया इस प्रकार का कोई मेडिकल नहीं है, ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं है, मतलब आपको हाइट इतनी चाहिए नहीं चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, बहुत ही शानदार दमदार वैकेंसी है, तो आप जरूर ट्राई करिए दोस्तों और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।